Ratu Kids Lair. काहे चुनचुना काट रो है? दो लोगों को बैठा ले लिए जा रहा है, चालान कौन कटवाएगा? तुम्हारे अब्बू? अरे हम इनके ड्राइवर हैं, जा इनकी गाड़ी है। क्या मोटरसाइकिल का ड्राइवर? मोटरसाइकिल का ड्राइवर कौन रखता है? हम रखते हैं, ये है हमारी गाड़ी और ये है हमारा निकम्मा ड्राइवर और ये है हमारा लबुधन्ना दोस्त। अब समझ गई मेरी जान, हटाओ अब जान दो। ऐसे कैसे जाने दें तुम्हें मेरे उजड़े चमन? चालान तो कटवाना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ और काट देंगे। आओ लाओ, आओ लिखाओ, निपटाओ मालिक, चालान कटवाबो। अब इतने जरूरी काम जाए रह रहा है, रुकी गए बस। अरे देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पे शॉपिंग मॉल में मेरी बीबी शॉपिंग कर रही है और अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो घर से निकाल के मेरे पिछवाड़े पे दो लाट मार के भगाएगी। एक बार और ऐसा हो चुको है क्या मालिक, याद है? बीबी को अगर शॉपिंग कराने जा रहे हो तो इन लोगों का क्या काम है? ये लोग क्या करेंगे वहाँ पे? इसलिए ले जा रहे हैं कि मेरी पत्नी ट्रक भर के शॉपिंग करती है, तो ये दोनों ट्रक में सामान लादेंगे। ट्रक ले जाती है मेरी पत्नी शॉपिंग करने के लिए। भैया अब है, तुमने भाभी जी को गुस्सा देखो ना है, अगर देख लियो ना तो दोनों आंखें निकल के बाहर आई जही। मालिक से पूछो कैसी मार खाते हैं, बरतें पड़ी हैं शरीर में बरतें। ठीक है, जान गए हमारी पत्नी कैसी है, अब हमें जाने दो, बहुत देर हो रही है। तुम्हारी पत्नी की ऐसी की तैसी, पहले कटेगा चालान, गाड़ी को बिल्कुल लढ़िया बना दिया है, तीन तीन चच्चल लोग बैठे जा रहे हैं, ना हेलमेट है ना कुछ, बापे खेती समझ रखी जैसे बप्पक राज चल रहा है। अरे भैया क्या कह रहे हो तुम, भाभी जी के लिए गलत बात मत बोलियो, सब सुनाई पड़ जाता है उन्हें। 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर उनके लिए कोई गलत बात कहता है ना तो उनका हुनर मरती है जाके। इस समय शॉपिंग में बिजी हैं, तबे तुम्हारी बात ना सुन पाई, वरना तुम्हारे कल्याण हो चुके होते। अरे यार पत्नी है कि बदमाश है, इतनी भयंकर पत्नी, ऐसी पत्नी किसकी होती है? अरे मेरे नाकारा दोस्त, तुम कैसे चुप पे बैठे हो, तुम भी तो कुछ बताओ उन्हें अपनी भाभी जी के बारे में, कैसी है? नाकारा नहीं है, पैसे कमा रहे हैं पैसे, चिल्लम चिल्ली नहीं होगी। कहाँ से पैसा कमाए रो देखा है? हाँ बस वीमेट पे स्कूबी की एक वीडियो बना के अपलोड किया है। वीमेट जौका है? वीमेट एक वीडियो शूटिंग ऐप है जिसमें लखपति कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें तुम लोग वीडियो शूट करके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर तुम लोगों की वीडियो लोगों को पसंद आई तो तुम्हें वीवी मिलेंगे। वीवी ये क्या है? वीवी वीमेट के गिफ्ट हैं जिनसे तुम लोग पैसे कमा सकते हो। हमने स्कूबी की वीडियो शूट की और पैसे जीते हैं, जिनसे हमने कल नया फोन लिया है। स्कूबी इतना पॉपुलर है इस ऐप पे। वाह यार जाता, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, अब देखो हम डाउनलोड कर ले और पैसा कमाई वीमेट पे वीडियो डाल के। यार तुम बताओ तुम्हें इतनी हायाबूसा पत्नी कैसे मिली? भैया तुम्हें क्या पता, जबरदस्ती शादी करी है उसने हमसे। हमने शादी के लिए मना कर दिया था तो हमारे ऊपर तो गोली चला दी थी, कान के पास से निकल गई थी गोली, हमारे जिंदा माउट है हमारी पत्नी। भाई साहब तुम्हें हम बता भाई, एक बार इन्हें संडास सॉरी टॉयलेट से निकलने में देरी हो गई रहा है तो पूरा दरवाजा उखाड़ दो रहा है भाभी जी ने। अब आगे तुम समझदार हो काबो ही। और बताएं तुम्हें भाई साहब, एक बार मेरे घर में चोर आ गया था तो मेरी पत्नी ने उसे पकड़ लिया और गरम गरम हीटर के ऊपर बैठा ला, स्प्रिंग छप गई थी उसके पिछवाड़े में, तब जाके छोड़ा है उसे। यार तुम्हारी पत्नी क्या जानवरों के साथ रहती थी जंगल में जो इतनी खतरनाक है? अरे तुम कहा जाना हो, भाभी जी के अंदर इतना जहर है कि सांप उनसे जहर भरवाओ नाउत है और शेर उनके पैर छुअत है, शेर से उनको याराना है, और तो और भालू उनको चेला है, और आगे तुम समझदार हो। भाई साहब मेरी पत्नी बोबला है जिसे देखकर आप पैंट में छुल्ल से कर देंगे। क्या छुल्ल से? हाँ छुल्ल से। यार तुम्हारी बात सुन के तुम हमारे कलेजे में कसक पैदा हो गई, अब हम भैया शादी नहीं करेंगे। अरे भैया तुम कहा जानो भाभी जी का, एक बार जो हमारे मालिक हैं बाजार से धनिया लानो भूल गए रहा है तो भाभी जी ने इन्हें चरपैया में बांध के सूतो रहा है, शरीर पटक्का की तरह फूलिगो रहा है, चाहे तो पूछ ही ले। यार भैया तुम्हारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हें तो अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कैसे आवाज उठाएं यार, घर में मुंह से आवाज निकलने नहीं देती है, आवाज क्या कान से उठाएं? भाई साहब भाभी जी इतनी छद्दर है कि जब वे सुबह सोए के उठती है ना तो छत पर जाके फायर करती है, फायर दुनाली से, जिससे मोहल्ला वाले समझ जाए कि शेरनी उठी गई है।
यार पत्नी है कि राक्षसनी है, ऐसी पत्नी के बारे में तो हमने पहली बार सुना, सुन के बिल्कुल रोना आ गया। है भाभी जी का दिखिया हो ना तो हग ही रही हो, आए ना कराओ भैया, सियाने हो गए हो। ऐसी हायाबूसा पत्नी भैया किसी को ना मिले तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, फायदा क्या हमारी पत्नी यहाँ आ जाए। पर यार तीन लोग बैठे हो, चालान तो काटना ही पड़ेगा। अरे भैया अगर भाभी जी यहाँ आई गई ना तो तुम्हारा चालान कट जाएगी और हम लोग चले जाएंगे अस्पताल। जाने तो डड्डा क्यों अपनी माउट बुला रहे हो, अगर वो आ गई ना तो झेल नहीं पाओगे, सीधे ऊपर का चालान कटेगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है जाओ यार, बहुत दुखी आत्मा हो यार तुम लोग। अरे भैया बात सुनो हमारी। हाँ बताओ। हमारी शादी ही नहीं हुई। अच्छा शादी नहीं हुई है क्या, तेरी नानी की चांद। तो गाइज मेरी तरह पैसे जीतने के लिए अभी डाउनलोड करो VMAT ऐप, जिसपे आप भी जीत सकते हो पैसे। बस अच्छी अच्छी वीडियो शूट करो और कमाओ पैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो। जाती है मेरी पत्नी शॉपिंग करने के लिए। भैया अब है तुमने भाभी जी को गुस्सा देखो ना है, अगर देख लियो ना तो दोनों आंखें निकल के बाहर आई जही। मालिक से पूछो कैसी मार खाता है, बरताएं पड़ी है शरीर में बरताएं। ठीक है जान गए हमारी पत्नी कैसी है, अब हमें जाने दो बहुत देर हो रही है। तुम्हारी पत्नी की ऐसी की तैसी, पहले कटेगा चालान, गाड़ी को बिल्कुल लढ़िया बना दिया है, तीन तीन चच्चल लोग बैठे जा रहे है, ना हेलमेट है ना कुछ, बापे खेती समझ रखी जैसे बप्पा ग्राज चल रहा है। अरे भैया क्या कह रहे हो तुम, भाभी जी के लिए गलत बात मत बोलियो, सब सुनाई पड़ जाता है उन्हें, 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर उनके लिए कोई गलत बात कहता है ना तो उनका हुनर मरती है जाए के। इस समय शॉपिंग में बिजी हैं, तबे तुम्हारी बात ना सुन पाई, वरना तुम्हारे कल्याण हो चुके होते। अरे यार पत्नी है कि बदमाश है, इतनी भयंकर पत्नी, ऐसी पत्नी किसकी होती है। अरे मेरे नाकारा दोस्त तुम कैसे चुप्पे बैठे हो, तुम भी तो कुछ बताओ उन्हें अपनी भाभी जी के बारे में कैसी हैं। नाकारा नहीं है, पैसे कमा रहे हैं पैसे, चिल्लम चिल्ली नहीं होगी। कहाँ से पैसा कमाए रो देखा है। हाँ बस VMAT पे स्कूबी की एक वीडियो बना के अपलोड किया है।